इस बीच पर सबसे ज़्यादा यूरोपियन टूरिस्ट रहते हैं, या फिर ये कहें गोवा के इस बीच पर सबसे ज़्यादा यूरोपियन टूरिस्ट रहते हैं। तो मैं चल रहा हूँ कलंगुट बीच, जो कि एक गोवा का बहुत ही फेमस बीच है और भारतीय लोगों को पसंदीदा बीच है, और कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पर केवल इंडियंस ही आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और आपको लगेगा कि आप इंडिया में नहीं यूरोप में चले गए हैं। तो ऐसा कुछ मार्केट का माहौल है आपको एंट्रेंस में, उसके बाद ये आप देख सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड जाओगे तो आपको पूरे यूरोपियन टूरिस्ट मिलेंगे, और मेन एंट्रेंस पर आपको इंडियन टूरिस्ट भरे हुए मिलेंगे, और राइट साइड जाओगे तो आपको बाघा बीच मिल जाएगा। और अभी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं किस साइड से आया हूं और मैं इस रास्ते से आया हूं। तो यह है गोवा का कलंगुट बीच, जो कि बेस्ट बीच बोल सकते हैं भारतीय लोगों के हिसाब से और टूरिस्ट के हिसाब से, क्योंकि यहां पर आप किसी भी सीजन में आओगे ऐसा ही माहौल मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी मैं लंच कर रहा था तो आप मुझे अच्छा माहौल दिखा, इसलिए मैंने एक वीडियो शूट किया। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर माहौल। तो आप दोपहर में तो बिल्कुल भी इन कैनोपी मत बैठे, नहीं गर्मी इतनी लगेगी ना कि बिल्कुल आप फ्राई हो जाओगे, इसलिए दोपहर के समय आप सैक्स के अंदर बैठ के लंच करना। ओके, तो अब मैं आगे चल के आपको यूरोपियन टूरिस्ट दिखाने का प्रयास करता हूं, लेकिन ये एंट्रेंस पर जब आप आओगे तो यहां पे इंडियन टूरिस्ट भरे रहेंगे। और कलंगुट बीच के एंट्रेंस में भी आप बोट राइड कर सकते हो और बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हो, और चीप एंड बेस्ट प्राइस में अगर बात की जाए तो, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस आते हैं मैक्सिमम एंट्रेंस पे। अब इस साइड में चल रहा हूँ, यहाँ पे यूरोपियन टूरिस्ट रहते हैं। आपको हो सकता ना पता हो आप कलंगुट बीच आए हो, एंट्रेंस के अलावा चले गए हो, आप सोचे होंगे कि यहाँ पर केवल इंडियन टूरिस्ट ही आते हैं, लेकिन जिन लोगों को विदेशी लोग पसंद है, देखना पसंद है, उनसे मिलना पसंद है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा। जब एंट्रेंस से लेफ्ट साइड आप आगे आओगे तो आप देख सकते हैं यहां पर सारी यूरोपियन टूरिस्ट, मतलब यूरोपियन कंट्री, कनाडा, ब्रिटेन, यूएसए और बहुत सारी यूरोपियन कंट्री से लोग हैं यहां पे। रशियन भी हैं, बट रशियन बीच इसे नहीं बोल सकते, क्योंकि रशियन की मात्रा यहां पे कलंगुट एंड बागा पे बहुत ही कम रहती है। यहां पे मैक्सिमम यूरोपियन कंट्री से टूरिस्ट आते हैं और भरे रहते हैं इस साइड आगे। तो और आगे चल के मैं आपको डिटेल में दिखाने का प्रयास करता हूं, सो दैट अगर आप भी नेक्स्ट टाइम गोवा आए तो गोवा के इस सुंदर बीच को, या फिर ये कहें गोवा के इस फेमस बीच को देखना ना भूलें। तो अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ सो दैट आपको क्लियरली दिख जाए। ये देखो, ये सब बिल्कुल यूरोपियन टूरिस्ट है। यहाँ पे रशियन आपको लगभग 1-2% मिलेंगे, और मैक्सिमम यूरोपियन कंट्री से टूरिस्ट हैं यहाँ पे, और वो चिल कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एरिया आपको भी नहीं पता होगा, या भाई पता भी होगा तो आप लोग कभी भी इस साइड आने की कोशिश ही नहीं किए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर एरिया है अगर बात की जाए तो चिल करने के हिसाब से। और ये जितनी भी सैक्स हैं यहाँ पर यूरोपियन टूरिस्ट के हिसाब से बनाई गई है, और यहाँ पे आप यूरोपियन लंच एंड डिनर का इंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप नेक्स्ट टाइम जब आप गोवा आओगे तो गोवा का ब्लॉग देखोगे या फिर ब्लॉग बनाओगे तो इस साइड ज़रूर आओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आई होप आज का यह वीडियो, ये गोवा का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।